मांडेर नगर के युवाओं ने कैंडल मार्च निकाला। आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। बड़ी मात्रा में लोग शामिल हुए और पटेल चौराहे पर पहुंचकर श्रद्धांजलि सभा की। श्रद्धांजलि देने के बाद नारेबाजी की, जमकर रोष भी व्यक्त किया गया। आप क्या कहना चाहते हैं इस मामले में? देखिए, जम्मू कश्मीर के पुलवामा पर जो आतंकवादी अटैक हुआ है, तो उसके परपस पे जो सीआरपीएफ के कैंप पर उसकी बस पे हमला हुआ, तो ये 44 जो अपने इंडियन जवान पे शहीद हुए हैं, तो उसके परपस पे उसको दुख प्रकट करने के लिए। आप क्या कहना चाहते हो, ये किस प्रकार की घटना हुई है? ये पाकिस्तान में सबका कार्रवाई करने की हमारी गवर्नमेंट से भी मांग है। हाँ हाँ, क्या मांगे आपकी? मेरी मांग, मैं ये चाहता हूँ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान है ये जो संसद हत्याएं की है इंडियन आर्मी की पुलवामा चक्कर के अंदर, तो कहीं ना कहीं इसको मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान को इसी की लैंग्वेज में बहुत अच्छा जवाब दिया। और अगर कभी भी आंख उठाकर भी देंगे तो उन्हें ख्याल में भी आना चाहिए कि हम किस तरह इसको अंजाम दे रहे हैं। भारत माता की गोदी में जो 42 जवान गए हैं, मैं उनके लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं और मैं भारत माता से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे ही अपने पाले में लल्ला रखे और आगे भी ऐसे ही जवान आए। मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान को कड़ी सजा दी जाए। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अब हम लोग यहाँ पर